हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 40। सो विदाउट डेलीइंग टाइम लेट्स बिगिन विद एक्सरसाइज। फर्स्ट, इफ रिहाना डिपॉजिट 1500 रुपीज इन स्कूल फंड एट 9 PCPA फॉर 2 ईयर्स, वॉट इज द टोटल अमाउंट शी विल गेट। हमको प्रिंसिपल यानी डिपॉजिट दिया है 1500 एंड रेट इसका है 9 PCPA एंड इसका टाइम यानी जो वैलिड मतलब ईयर्स है वो 2 ईयर्स दिया है। ठीक है, तो हम लोग को इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है एंड अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT/100। ठीक है, तो P की वैल्यू है 1500 इंटू R है 9 एंड टाइम है 2 ईयर, देन इसका आंसर आएगा आपका 270। देन हमको अमाउंट फाइंड आउट करना है। अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। देन प्रिंसिपल इसका हमारा था 1500 और इंटरेस्ट आया हमारा 270, तो उसको प्लस करेंगे तो 1770 रिहाना विल गेट 1770 रुपीज। सेकेंड क्वेश्चन इज, जेठालाल टू का हाउसिंग लोन ऑफ 2,50,000 रुपीज फ्रॉम अ बैंक एट 10 PCPA फॉर 5 ईयर्स, वॉट इज द ईयरली इंटरेस्ट ही मस्ट पे एंड द टोटल अमाउंट ही रिटर्न्स टू द बैंक। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको प्रिंसिपल 2,50,000 दिया है, हाउसिंग लोन 2,50,000 दिया है और इसका रेट है 10 PCPA और इसका ईयर है 5 ईयर्स। देन हमको ईयरली यानी एक साल का निकालना है, तो हम इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे वही इंटरेस्ट का PRT/100। देन P की वैल्यू है 2,50,000, R है 10 और T जो हमारा टाइम है वो 5 ईयर्स दिया है, बट हमको ईयरली 1 ईयर का लेना है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट 1 ईयर का निकालेंगे। ठीक है, देन इसका आंसर आएगा आपका 25,000, तो हमारा 25,000 1 ईयर का निकला है। देन हमको 5 ईयर्स का निकालना है, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 1,25,000। देन आपको इसका अमाउंट निकालना है, तो A इज इक्वल टू P प्लस I लिखी और P की वैल्यू थी 2,50,000 प्लस ये हमने 5 ईयर्स का निकाला है 1,25,000, तो इसका आंसर आएगा 3,75,000। सो द ईयरली इंटरेस्ट इज ₹25,000 एंड जेठालाल विल रिटर्न अ टोटल अमाउंट ऑफ 3,75,000 टू दी बैंक। थर्ड क्वेश्चन इज, श्रीकांत डिपॉजिटेड ₹85,000 फॉर 2.5 ईयर्स एट 7 PCPA इन अ सेविंग बैंक अकाउंट, वॉट टोटल इंटरेस्ट विल ही रिसीव एट द एंड ऑफ द पीरियड। देन हमारा यहाँ प्रिंसिपल है 85,000 और ईयर हमको 2.5 ईयर्स दिया है और रेट है इसका 7 PCPA और हमको यहाँ पर इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला डालकर इसको सॉल्व करेंगे। I इज इक्वल टू PRT/100। देन हमारा प्रिंसिपल है यहाँ पर 85,000 इंटू रेट है हमारा 7 और ईयर है 2.5 ईयर्स, इसको हम डिवाइड करेंगे। इसका आंसर आएगा 14,875। देन यू हैव टू राइट लाइक दिस, श्रीकांत विल रिसीव रुपीज 14,875 एट द एंड ऑफ द पीरियड। द क्वेश्चन नंबर 4, द इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 4 ईयर्स एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ₹1,200 एंड वॉट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन ₹15,000 एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रिंसिपल है 5,000, ईयर है, टाइम आपको दिया है 4 ईयर्स एंड इंटरेस्ट दिया है आपको 1200 एंड आपको फाइंड आउट करना है रेट। सो फर्स्ट हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, I इज इक्वल टू PRT/100। तो P था हमारा 5,000 और R की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है।
सो यहाँ पर आपका रेट निकलता है 6. द इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल, द टाइम एंड द रेट रिमेनिंग कॉन्स्टेंट. सो वी हैव टू लेट द इंटरेस्ट ऑन ₹15,000 बी ₹X. We have to find interest on ₹15,000 at the same rate of interest for the same period. So हम लिखेंगे x by 15,000 is equal to 1200 और 5,000 जो हमारा principal था इसको 15,000 से 15,000 both side multiply करेंगे तो आपका answer आएगा यहाँ पर 3,600. So 15,000 का interest आएगा आपका 3,600. Now see the last question. Question number 5. Pankaj deposited ₹1,50,000 in a bank at 10 PCPA for 2 years. What total amount will he get from the bank at the end of the period? So हमको यहाँ पर principal में दिया है हमारा deposited 1,50,000, rate है हमारा 10 and 10 PCPA rate 10 PCPA and time दिया हमको 2 years. A हमको amount find out करना है. Then वही formula लगेगा I is equal to interest. Sorry. इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100. तो प्रिंसिपल हमारा 1,50,000 एंड इंटू 10 और टाइम दिया हमको 2 ईयर्स अपॉन 100. तो हम इसको ये 100 का 200 और ऊपर के 1,50,000 के 0 से 00 से कैंसिल हो जाएगा. इसका आंसर आएगा 30,000. तो हमको अभी अमाउंट फाइंड आउट करना है. तो अमाउंट का फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू पी प्लस आई. तो प्रिंसिपल हमारा यहाँ पर दिया था 1,50,000 प्लस 30,000 और इसका आंसर आएगा 1,80,000. सो पंकज विल गेट 1,80,000. 7th स्टैंडर्ड के अदर सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी माई होम माई स्टडी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी. और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करना. और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना.